हाई लकीर खींच दिए, हाउ लकीर खींच दिए, अरे कौन लकीर खींच दिए सारा पब्लिक जानता है भाई। खींचे ना सिर्फ दारू मंडली में लकीर खींचे हैं, यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई है ना तो खेसारी लाल यादव है। दुर्भाग्य की बात है कि आपका दारूबाजी वाला में नाम आता है और खेसारी लाल यादव मेरा ट्रेंडिंग स्टार, मेरा ग्लोबल स्टार को ना APJ अब्दुल कलाम के साथ नाम आता है। तो ये गर्व भी खेसारी आर्मी और खेसारी फैन हमें चाहते हैं ना भाई। आप सभी लोग जानते हैं कि लकीर क्या होता है, लकीर ई होता है जो अभी। नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना मिस सन ऑफ हिंदुस्तान, उम्मीद होगा मित्रों आप लोग अच्छे होंगे। मित्र बहुत लोग को देख रहे हैं ना, कुछ ज्यादा ही भौकाल बना रही है कि हई लकीर खींच दिए, हाउ लकीर खींच दिए, अरे कौन लकीर खींच दिए सारा पब्लिक जानता है भाई। झूठों के भौकाल थोड़ी होता है कि हई लकीर खींच देंगे देंगे, कुछ नहीं लकीर खींचे हैं। आप जो लकीर खींचे हैं ना सिर्फ दारू मंडली में लकीर खींचे हैं, ये हम नहीं बोलते, पूरा पब्लिक बोलता है और तमाम बोलने वाले लोग बोलता है। लेकिन खेसारी लाल यादव का जो लकीर है ना, वो बड़े बड़े लोग जो लकीर खींचे हुए हैं ना, उन लकीर पे उनका नाम आता है कि भाई अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई है ना तो खेसारी लाल यादव है। दुर्भाग्य की बात है कि आपका दारूबाजी वाला में नाम आता है और खेसारी लाल यादव मेरा ट्रेंडिंग स्टार, मेरा ग्लोबल स्टार को ना APJ अब्दुल कलाम के साथ नाम आता है। तो ये गर्व की बात है। अभी एक भाई का मैं देख रहा था जिनका एक चैनल है, मोटिवेशनल चैनल है उनका, उनका लमसम 6 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है। मैं उस पर देख रहा था कि बहुत सारे जो लोग जो हैं, जिसमें साइंटिस्ट हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार हैं बॉलीवुड का, उन लोगों के बीच में मेरा भाई ग्लोबल स्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को जब फोटो देखे ना भाई, तो गर्व होता है। और यही लकीर होता है। आप लोग भली भांति जानते हैं, जो भी भैया के चाहते हैं, जितने भी खेसारी आर्मी और खेसारी फैन हमें चाहते हैं ना भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि लकीर क्या होता है। लकीर ई होता है जो अभी स्क्रीन पर चल रहा है, इसको कहते हैं लकीर। अरे झूठों के भौकाल बनाने से थोड़ी होता है। आज इतना मतलब खुशी हुआ और गर्व हुआ कि देखिए, एक प्रधानमंत्री जो चाय बेचने वाला, दूसरा APJ अब्दुल कलाम पेपर बेचने वाला, तीसरा भैंसी चराने वाला ट्रेंडिंग स्टार मेरा खेसारी लाल यादव, वेटर के काम करने वाला अक्षय कुमार, एक जो मेरा भाई है उस लिस्ट में वो है शेखर धवन जी, वो किसान का बेटा है, रजनीकांत जो टिकट कंडक्टर थे वो, सभी लोग जानते हैं। ये जो लिस्ट है ना भाई, ये लिस्ट इसलिए तैयार किया गया था कि कम से कम जो लोग अपने जीवन में हार मान जाते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, सब कुछ खत्म हो गया है, तो ऐसे लोगों के लिए ना ये लिस्ट बनाया जाता है। बड़े बड़े चैनल इस पर काम करते हैं, जिसमें बड़े बड़े जो लोग हैं, जिसमें देखिए कि परमाणु मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तमाम सारे लोग उसमें हैं भाई लिस्ट में, चाहे रजनीकांत हो, तमाम सारे लोग हैं। ऐसे लोगों के बीच में खेसारी लाल यादव का एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखो भैंसी चराने वाला लड़का आज कहां से कहां पहुंच गया, आज भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला एक्टर है भाई। तो एक गर्व की बात है, ये लकीर है ना, वही लकीर है। ऐड लगा के कुछ लोग चल जा रहा है, बड़ा बड़ा चैनल जिसका 300 सब्सक्राइबर है उस पर गाना आ रहा है, तो भौकाल मतलब मच जा रहा है। अपने दम पे आइए ना भाई, लेके अब उसको ट्रेंडिंग में लाइए ना। अभी देखे हैं भैया का जो राजा राम फिल्म है, उसका ट्रेलर ना पूरे वर्ल्ड में ना 2 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। तो यही ना गर्व हुआ, वो 10 स्टार के साथ काम कर लिए और 300 मिलियन चैनल वाला पर गाना आ गया, तो थोड़ा मिलियन में का चल गया वो भी ऐड लगा के, तो ये भौकाल हो गया और ये लकीर हो गया ना। लकीर इसको कहते हैं कि प्रधानमंत्री और बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का एक लड़का का अगर इतना बड़ा लिस्ट में नाम आता है ऐसे ऐसे लोगों के बीच में, तो ये गर्व होता है। बाकी आपका तो सभी लोग जानता है कि आप लकीर क्या खींचे हैं, नहीं खींचे हैं, वो सभी लोग जानते हैं। और तेज प्रताप यादव भैया तो बताइए कि ये कौन सा आपका लकीर है, आप उसी लकीर को और आगे बढ़ाइए भैया, बहुत आगे बढ़ाइए, और मेरा भाई इस लकीर को आगे बढ़ाएगा और आगे चल के ना फोर्ब्स लिस्ट में इसका नाम आएगा। गर्व होता है कि हम सब खेसारीवादी हैं और हमारा भाई ट्रेंडिंग स्टार, आइकॉनिक स्टार, इतना बड़ा स्टार है। आप जितने भी खेसारी आर्मी और खेसारी फैन है ना, प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करो, सब्सक्राइब करें, ताकि तमाम वीडियो के लिंक आप लोग साथ रहेगा। एक और मेरा चैनल है खेसारी आर्मी ऑफिशियल से, प्लीज़ उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें। आप ही लोग कहने पर चैनल क्रिएट किया गया है, प्लीज़ उसको भी आप लोग सपोर्ट करें। और किसी के झूठे भौकाल में नहीं रहे, हमारा भाई का एक अलग स्वैग रहता है। जो लोग पूछ रहा था कि क्या है स्वैग, यही है स्वैग, और तुम्हारा वो है स्वैग भाई का, जो कल तेज प्रताप यादव जी बोल रहे थे। अब मुझे यकीन हो गया होगा कि तुम लोग क्लियर हो गया होगा कि स्वैग क्या होता है। कुछ दिन पहले बिसल भाई चमचावा पूछ रहा था कि स्वैग क्या है, कुछ दिन पहले पवन सिंह यूट्यूबर पूछ रहा था कि स्वैग कहाँ से लाएंगे, यही स्वैग है, और तुम्हारा स्टार को वाला स्वैग है। बाकी तुम वो झूठा भौकाल बनाते रहो, हम लोग उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा भाई इसी मतलब छाए रहे, और मैं चाहूँगा भाई का आने वाले समय फोर्थ लिस्ट में भी नाम है, और इनका बहुत बड़ा वाला लिस्ट में नाम आएगा बहुत जल्द। दबा के शेयर कीजिए आप लोग, मेरे भाई जितने भी हमें चाहने वाले और खेसारी आर्मी है,
ताकि भाई लोग के पास पहुँचे, थोड़ा सा उन लोग को भी लगे कि हाँ लकीर क्या होता है। एक्चुअल बात करो ना यार, झूठों के भौकाल बनाने से होगा। चाहे संदीप महेश्वरी जी हो, तमाम सारे वो लोग हैं इस लिस्ट में ना जो अपने आप में हस्ती हैं भाई, प्रधानमंत्री और बड़े 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 साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम जो परमाणु मैन से जाने जाते हैं, उन लोगों के बीच में अगर खेसारी लाल यादव का फोटो लगता है ना तो बहुत ही गर्व की बात होता है। पर्सनली हमें तो भाई बहुत गर्व है, मेरा भाई जो कर दिया है ना उत्तू लोग से कभी जीवन में नहीं हो सकता और उस लकीर पर कभी जीवन में नहीं चल सकते हो। इसलिए जितने भी खेसारी आर्मी और खेसारी फैन है ना, गर्व करने के समय हम लोग को भाई, और जीवन भर हम लोग गर्व करेंगे क्योंकि मेरा भाई जो है ना जमीन से जुड़ कर ना आज आसमान तक उड़ रहा है भाई। और उसको हम लोग मतलब ये नहीं मत सोचना भाई कि हम लोग अपना मन से इसको बना रहे, नहीं भाई, बड़े बड़े चैनल वाला, बड़े बड़े फोर्थ लिस्ट वाला कंपनी वाला ना भाई को नाम वहाँ मेंशन करता है कि ना कि हम करते हैं, हमरी और हम लोग क्यों करेंगे भाई, ऐसा कुछ हम नहीं करते। बड़े बड़े कंपनी वाला ना, अब बड़े बड़े जो लिस्ट तैयार किया जाता है उस लिस्ट में ये लोग का काम ही होता है कि बड़े बड़े स्टार्डम जो जिसका जलवा है मार्केट में, जिसके पास रॉयल्टी हो, जिसके पास पब्लिक का सपोर्ट हो, जिसका पब्लिक का प्यार हो, ऐसे लोगों को फोटो लगाया जाता है। बाकी आप लोग बेटर समझते हैं कि कौन लकीर खींचा हो नहीं खींचा है, बस आप लोग अपना जीवन में मस्त रहें, जितने भी खेसारी आर्मी और खेसारी फैन है, और छाए रहें अपने लाइफ में, और भाई को हमेशा सपोर्ट करें इसी तरह। धन्यवाद मित्रों।